दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक कैंडिडेट राजेश मिश्रा ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे की बात थी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। तो गाइज आज हम जानेंगे उन्हीं की जबान, उनका क्या कहना है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों मैं काफी दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी की हमेशा एक आदत रही है और एक जिम्मेदारी रही है कि मैं हमेशा ऑथेंटिक अपडेट के लिए ही जाना जाता हूं और सही खबरें आपको बताने के लिए हमेशा मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने लगातार अपने कई खबरों में जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और साथियों आज वही बात पूरी तरीके से सच हुई है। 21 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो कुछ हुआ है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि हर आधे घंटे पे हर एक घंटे पे बैठकर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोगों को पैनिक करने वाले लोग किस हद तक लोगों को गुमराह करते थे। यहां तक बोलते थे कि 2 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, 5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, लेकिन माशाल्लाह आपा ने इतनी बड़ी अमाउंट सुप्रीम कोर्ट में बता के रिकॉर्ड बना दिया है। कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया था, जैसे कि आपा डॉक्टर नवराज से हमेशा बोलती रही है कि कोर्ट जो बोलेगा उनके ऑर्डर को मैं पूरा मानूंगी, और आपा ने उनके ऑर्डर को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको पूरा करके ये बता दिया था कि आपा की नजरों में कानून की क्या इज्जत है। लेकिन चिल्लाने वालों ने, गुमराह करने वाले लोगों ने लगातार पिछले 4 साल से लोगों की जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। अच्छा खासा लोगों की जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक चलती हुई कंपनी को बंद कराने की एक सुनियोजित साजिश रची गई और कानून के बड़े बड़े जानकार लोग इसमें शामिल थे। साथियों ये लड़ाई को लड़ना इतना आसान नहीं था। आपा को लोगों को मैं आयरन लेडी ऐसे नहीं बोलता हूं, उसके बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है पूरे धैर्य के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे पराक्रम के साथ लोगों से लड़ने की, बुराई के खिलाफ लड़ने की, साजिश के खिलाफ लड़ने की उनके अंदर जो ताकत है, इसलिए वो आयरन लेडी ऑफ इंडिया का नाम उनको मैंने दिया है। साथ ही आज गर्व का विषय है, सैकड़ों करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देना ये मामूली बात नहीं थी, लेकिन चूंकि आपा ने कभी भी आपके पैसों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा था, कभी भी आपके पैसे के साथ कभी उन्होंने कोई खिलवाड़ नहीं किया था, इसलिए आज ये सफलता हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और आपा डॉक्टर नवेरा शेख को मिली है। साथियों आपा डेली वीडियो बना करके आपको ये नहीं बता सकती थी कि उनके खिलाफ कितनी साजिश सोच रही हो रही है, लोग किस तरीके से तमाम प्रकार की शतरंज की बिसात बिछा करके बैठे हुए हैं, डेली कोई नहीं बता सकता। लेकिन साथियों आज मैं उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने आपा डॉक्टर नवेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सपोर्ट किया, उन सभी लोगों को मैं सल्यूट करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आपा का साथ दिया और आपा का जो धैर्य था, जो हिम्मत थी, आज सबसे बड़े विजय का सबसे बड़ा कारण है। साथियों चिल्लाने की आवाज तो पूरी दुनिया समझ सकती है, लेकिन असली इंसान वो होता है जो खामोशी की जुबा को समझता है। और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने खामोशी की जुबान को समझा है और इतनी बड़ी जीत जो हासिल हुई है, जैसे कि आज आपा ने अपने बयान में भी बताया है, लीगल टीम ने बहुत मेहनत की और सभी सपोर्टर्स ने, जिन लोगों ने वीडियोस बनाए, जिन लोगों ने फोन पे लोगों से बातें की, जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी में जाके खड़े हुए, जिन लोगों ने 2-4, 10-20 लोगों को फोन उठा करके समझाया, ऐसे हमारे बहुत से सपोर्टर भाई थे जिनका नाम तो पर्दे के सामने नहीं है, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन उनका भी रोल
बहुत ही सराहनीय है और आज उन सभी भाइयों को, सभी बहनों को जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी, उन सभी लोगों को राजेश मिश्रा का सल्यूट है और सलाम है। साथियों, जिस तरीके से कि आपा ने आज बताया है और कल हियरिंग में आपने देखा कि आपा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 24 शर्तें थी वो पूरी कर दी गई है, यानी कि आने वाले समय में सभी का रास्ता पूरी तरीके से आसान हो चुका है। देखिए, आपा की नजर में कोई कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर वाली बात नहीं है, आपा ने सबको अपनी फैमिली ही बताया है। और साथियों, साजिश रचने वाले चार होते हैं लेकिन उनकी वजह से 40 लाख लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और साथियों, इस केस में यही हुआ। आज तक इन्वेस्टमेंट कंपनीज के इतिहास में इतना बड़ा अमाउंट कोर्ट को बता के इतने कम से कम समय में सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक केस लड़के, केस में जीत को हासिल करके और लोगों के पैसे को बता करके ये सबसे बड़ा जो इतिहास रचा है, ये बहुत ही, आपा को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये बहुत ही मिराकल जजमेंट है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। साथियों, देखिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो आंखों का पर्दा, कानों का ढक्कन की दुकान लगाने वाले कहां चले गए पता नहीं, लेकिन उनकी साजिश की बिसात पर तमाम लोगों की जिंदगी नेस्तनाबूद हो गई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन साथियों, आपा की नीयत पूरी तरीके से साफ सुथरी थी, उन्होंने चुप खामोशी इख्तियार करते रही, लेकिन आप लोगों के इंसाफ के लिए, आप लोगों के पैसे के लिए हमेशा लड़ती रही, दुश्मनों के साथ फाइट करती रही। उनको हमेशा इस बात का यकीन था कि कोर्ट में, इंडिया की कोर्ट है और साथियों, जो सच्चाई के साथ लड़ता है हमेशा उसकी विजय होती है, सत्य हमेशा जीतता है। थोड़ा दिन तक लोग उसे परेशान करेंगे, थोड़ा दिन तक लोग किसी भी तरीके से लोगों को परेशान कर सकते हैं, लाखों लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सिर्फ सच की होती है। साथियों, आने वाले समय में कोर्ट कंप्लेनर्स का मैटर अपने हिसाब से देखेगा, उसके लिए कमेटी का गठन होगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से पिछले हियरिंग्स में आपको पता चला था, उसके अंदर तमाम जिम्मेदार अधिकारी होंगे, किसी को पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपा ने जैसे कहा है कि जो भी नॉन कंप्लेनर्स बार बार ये सोचते थे कि यार मेरा पैसा कब मिलेगा, मेरे लिए आपा बात नहीं करती, साथियों इंशाल्लाह आने वाले समय में आप लोगों को, आप लोगों की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और साथियों, जैसा कि हम लोग हमेशा साथ देते रहे थे और ये बताते रहे थे कि आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, सबको इसी बात का डर था कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है और आपा ने अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करके इस ऊंचाई पर पहुंची है। वो जानती है कि आपने कितना पसीना बहाया है इस पैसे के लिए, मैं मानता हूं इस बात को कि देर लगी है, लेकिन साथियों, कानून की लड़ाई में, कोर्ट में दुश्मनान हीरा ने कितनी पेचीदगी पैदा की थी आप लोगों को तो मालूम है। कभी कोई इम्प्लीट कर रहा है, कोई नया एफआईआर हो रहा था, कोई नया नया षड्यंत्र चल रहा था, इसी सारी वजह थी, ये सारे कारण थे कि ये मामला लेट होता चला गया। लेकिन आपा ने अपनी लीगल टीम के माध्यम से, सभी सपोर्टरों के सपोर्ट से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के साथ से ये मामला इस नतीजे पर पहुंचा कि आज इतनी बड़ी सफलता मिली है कि कोर्ट में जीत तो जी हो ही गई, आप लोगों का पैसा मिलने का रास्ता आसान, पूरी तरीके से आसान हो गया। तो उन सभी लोगों को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, और कुछ लोग गुमराह हो गए क्योंकि दुश्मन लोग डेली वीडियोस बनाते थे, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है। कई बार लोग ऐसे बोलते थे, यार ये तो सपोर्टर था, अभी कैसे निगेटिव में बात कर रहा है। लेकिन साथियों, डेली जो पैनिक फैलाने वाले लोग थे, लोग जो अच्छे लोग भी उनकी साजिश में आ जाते थे, डेली सुबह शाम बैठ के वीडियो बनाते थे, तो अभी बंदा पैनिक हो जाता था। उन सभी लोगों के
किला पापा को कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोष नहीं है। साथियों, आप सभी लोगों का पैसा कंपनी में पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपा का मिशन विजन बहुत बड़ा है, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी का एक रुपया रखना है। साथियों, ये बात हम लोग हकीकत अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी लगातार पिछले 4 साल से आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं। साथियों, हमेशा में जब कोई अपडेट होती है ऑथेंटिक, तभी सामने आता हो, कुछ भी बोलना नहीं पसंद करता, क्योंकि आप लोग काफी भरोसा करते हैं कि राजेश मिश्रा आए हैं तो कुछ खास बात बताएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में नॉन कंप्लेनर्स की राह पूरी तरीके से आसान होने वाली है। जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनका तो कोर्ट से अपने हिसाब से होगा ही होगा, इंसाफ सबके साथ होगा, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। लेकिन आप लोगों का पैसा आप लोगों के अकाउंट्स में पहुंचेगा, और आपा बिल्कुल आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। जैसा आज उन्होंने सपोर्टर्स को भी धन्यवाद दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को नोटिस किया है कि जब आपके उस वक्त में जिन लोगों के पास कोर्ट में जाने का भाड़ा नहीं होता था, वो लोग अपने बाजू वाले से उधार मांग के कोर्ट में जाके खड़े रहते थे और आपका साथ देते थे, आपने उन सभी का जो शुक्रिया अदा किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आप सभी लोग इत्मीनान रखिए, आप लोगों का वक्त आ गया है कि आपका पैसा भी मिलेगा, आपका प्रॉफिट भी मिलेगा, और आपके एक रुपए के साथ भी कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। आने वाले सितंबर में जो डेट है, इंशाल्लाह और अच्छी खबर आएगी, और आने वाले समय में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी लोगों के लिए अच्छी से अच्छी खबरें आती रहेंगी। और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग लगातार पिछले 4 सालों से जो बोल रहे थे उसमें सारी बातें किस तरीके से सच निकली है। तो साथियों, आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। यही समय है साथियों, आप लोगों से लेता हूं विदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।